गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बहुत ठंड है टेरिस पर, धूप के तो नामो निशान नहीं है और 12 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर, बट हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जैसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जम गए हैं। और सोचिए पौधों की भी हालत क्या हो रही होगी। तो अभी का रूटीन जो है, देखिए मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। पौधों में पानी पिछले 3 दिन पहले लगा था और अभी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल गीली है। तो इन दिनों में आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि आप पानी का बहुत ध्यान रखेंगे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो जो पहला काम होगा, सबसे पहले तो पौधा अपनी पत्तियाँ झड़ा देगा और मे बी हो सकता है थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई तो रूट रॉटिंग हो जाए, आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो गल जाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। रूटीन वीडियोस जो मैं शेयर कर रही हूँ कि आपको अपने गार्डन में क्या क्या करना है, तो देखिए अब आपको मैंने मिट्टियों का समझा दिया कि मिट्टियों को कैसे पोरस बनाना है या फर्टाइल बनाना है। उसके बाद में आप पॉट फिलिंग मैथड अप्लाई करेंगे। उसमें देखिए दो मैथड हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ। मुझे जब डायरेक्ट पौधे लगाने होते हैं तो मैं जो फ्रेश मिट्टी है बनाती हूँ और पॉट फिल करती हूँ, एक दिन पहले पानी भर के रख देती हूँ और नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद पौधे लगा देती हूँ। एक मेरा मेथड है जिसमें मैं 1 महीने के लिए या मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने के लिए पॉट को साइड में रखती हूँ, उसके बाद पौधे लगाती हूँ। पौधे उसमें कौन से लगाती हूँ, सब्जियों वाले लगा सकते हैं, फलों वाले लगा सकते हैं, फूलों वाले लगा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट प्लांट है लाइक सब्जी फलों वाले, उनको लगाते टाइम आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो आपने मटेरियल डाला है वो प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज्ड हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर हीट रहेगा तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो आप अपनी मिट्टी खुद चेक करिएगा कि वो ठंडा हो गया है या नहीं हुआ है। एक देखिए इन दिनों में सर्दियाँ हैं, तो जो भी मटेरियल आप डिकम्पोज्ड करने के लिए रखेंगे, क्योंकि ठंड के दिनों में क्या होता है, जो अंदर मिट्टी में खाद बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए। जैसे ही हल्का सा मौसम गर्म आएगा वो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा और आपकी प्रॉपर खाद बन जाएगी। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी सारे, जो जिस तरीके से मैं पॉट फिल करती हूँ, उसमें देखिए वो तरीके भी हैं जिनके पास ओनली बालकनीज हैं, टेरेसेस नहीं हैं, क्योंकि हर एक के पास बड़ी छत नहीं होती है कि वो कंपोस्टिंग कर सके या वो पॉट फिलिंग प्रॉपर तरीके से करके रख सके। तो मैंने सभी तरीके के मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ वो सारे के सारे मैंने बताए हुए हैं, तो उनका मैं आपको लिंक दे दूँगी, वो देख लीजिएगा 1 by 1 सारे के सारे, तो आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे। और मौसम देखिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि खुले, क्योंकि टेरेस पर बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, हाथ एकदम जाम हो रहे हैं। तो मौसम खुलेगा तो मैं शेयर करती रहूँगी कैसे कैसे, और जितने भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं लास्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे कि किस किस तरीके से पॉट फिल करना है। तो दोनों मेथड के ही मैं कर दूँगी, आप उनको अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आप जल्दी से जल्दी पौधे अपने गार्डन में लगा सकें। और देखिए एक काम और करिएगा, जो भी आपके स्पेंट फ्लावर्स आप हटा रहे हैं, मेरे देखिए ये थोड़े थोड़े इन्फेक्टेड हैं, इनका मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ, तो या तो आप इनको कंपोस्ट बिन में डाल देंगे या फिर आप इनका एक बकेट में डालेंगे सारे गार्डन के फूलों को। अगर कोई इंसेक्ट नहीं है तो आप बायो एंजाइम बना सकते हैं, बायो एंजाइम बहुत पावरफुल बनता है फूलों का। और अगर थोड़े बहुत इन्फेक्टेड हैं तो आप इनको पानी में डिप करिए, और डिप करके इसको, डिकम्पोज़र है तो वेलन गुड है, बहुत ही बढ़िया है, उसके अंदर भिगो के रख दीजिए हफ्ते भर के लिए। और डिकम्पोज़र नहीं है तो आप बायो एंजाइम डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, 3 दिन के लिए इनको रख दीजिए ढक के। सर्दियों में आप 7 दिन के लिए भी रख देंगे तो देखिए कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ठंड है, कोई स्मेल नहीं आएगी। और फिर इसको बस दिन में एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको घुमा दिया करना। जैसे देखिए ये पानी में डिप हो गए हैं, इसके अंदर मैं और भर दूँगी पानी, और भी गार्डन के जो भी इस तरीके के फूल हैं वो डाल दूँगी, और पूरा बकेट भर के रख दूँगी पानी से इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास डिकम्पोज़र है, मैं डिकम्पोज़र डाल दूँगी। और आफ्टर 7 डेज़ मैं इस पानी को अपने गार्डन में लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में या पत्तों पे छिड़कने के रूप में इसको यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इन फूलों को आपने फेंकना नहीं है, आपने किसी ने बोला था कि मैम धूप बत्ती बनाइएगा, तो देखिए मेरे यहाँ ये फ्रेश मिलते ही नहीं है मुझे, तो मैं लास्ट ईयर तो मैंने बनाया था लेकिन इस बार तो मुझे लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी पर थोड़ा बहुत एफर्ट अटैक है, तो उनका मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके यहाँ फ्रेश हैं
और कोई एफिड अटैक नहीं है, तो आप इनकी धूप बत्ती बना सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो आपने अपने गार्डन के फूलों को भी फेंकना नहीं है, बायोजैम बनाइए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और कंपोस्ट बिन में तो आप डाल ही सकते हैं। और इस टाइम देखिए बिल्कुल पौधे आपको बेजान नज़र आएंगे, कुछ बिल्कुल ऐसा लगेगा उनमें जान ही नहीं है, तो बस घबराइएगा मत। सिर्फ ध्यान रखना है पानी का, पानी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं देना है जब तक कि आपको लगे ना कि पौधे को रिक्वायरमेंट है। बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा तो टेरेस पर भी आपके पौधे बचे रहेंगे, कितनी भी ठंड पड़े। फिर आने वाले बस थोड़ा सा हल्का सा गर्म मौसम आएगा तो सारे पौधों की प्रूनिंग करेंगे, दोबारा से उनकी रूट फिलिंग करेंगे और अपने गार्डन को फिर से तैयार करेंगे स्प्रिंग के लिए। तो ये छोटी छोटी टिप हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने गार्डन को पूरे टाइम कलरफुल रख सकते हैं। हालांकि देखिए अभी मुझे ऐसे देख के लगता है पौधों को कि इनको बहुत ठंड लग रही है, सुकड़े जा रहे हैं, और ख़ासकर कॉलियस की हालत अभी देखिए थोड़ी सी डल लग रही है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है मेरे यहाँ सर्दियों में, क्योंकि आसमान से आपको पता है सीधा के सीधा ओस भी पड़ रही है, बहुत ठंड भी है, तो ये अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम आता है मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ इनकी प्रूनिंग कर देती हूँ और वापस से न्यू शूट्स निकलती हैं और ये वापस से बुशी हो जाता है। तो बस छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको ध्यान रख के अपने गार्डन को हम फिर से तैयार करेंगे आने वाली गर्मियों के लिए। बट अभी तो आप सर्दियों वाले फूलों का मज़ा लीजिए और बस तैयार कर लीजिए मिट्टी। और हाँ, अगर आप अपने गार्डन में कर सकते हैं तो उपलों पर उपलों को जलाकर या लकड़ियों को जलाकर थोड़ा सा धुआं ज़रूर करिएगा, क्योंकि अग्निहोत्री तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन धुआं भी आप करेंगे ना तो काफ़ी हद तक जो भी टेरिस का ऑरा भी पॉजिटिव होता है और पौधों को भी राहत मिलती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और बाकी तो देखिए ठंड है, जैसे ठंड से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं सारे उपाय वो अपनाइएगा, खुद भी बचे रहिएगा और अपने पौधों का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।